डेंटल कैंप हो रहा है, दांत के लिए सब दांत का चेकअप वगैरह सब यहाँ पे हो रहा है। मेरे हिसाब से आपके गांव में पहली दफ़ा ही कोई डेंटल सर्जन आया है, दांत का डॉक्टर पहली दफ़ा आया ना चाचू, है ना? हाँ, तो और मेडिकल कैंप एक दफ़ा हो चुका है, दांत में दर्द है निकालना है, और वो भी तुरंत नहीं बताएंगे कि हमें निकालना है, जब तक वो ज़्यादा टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है तब तक दांत निकालने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे। मैं डॉक्टर प्रतिभा अठवले, डेंटल सर्जन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ, गुजरात से। वैसे तो महाराष्ट्र की हो, पढ़ाई सब महाराष्ट्र में किया, मुंबई में, और अभी अहमदाबाद में 40 साल से मेरा खुद का डेंटल क्लिनिक है, प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अभी लगभग 3-3.5 साल से कश्मीर में, खास करके उरी सेक्टर में डेंटल कैंप्स कंडक्ट कर रही हूँ। साल में लगभग 2 दफ़ा आती हूँ, अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में ऐसे, और डेंटल कैंप्स करती हूँ। हर दफ़ा 3-4 जगह पे कैंप्स लेती हूँ, 3-3 दिन का एक कैंप रहता है। वो 3-3 दिन का इसलिए रखना पड़ता है कि जनरली डेंटल कैंप जो होता है तो उसमें हम दवाई देते हैं, फिर दांत साफ करते हैं, दांत में फिलिंग करते हैं, दांत निकालते हैं, तो उसके लिए टाइम लगता है, और इसीलिए वे 3-3 दिन के एक एक जगह पे कैंप्स लेते हैं। उसके लिए जो भी दवाई वगैरह चाहिए वो सब दवाई मैं अहमदाबाद से खुद लेकर आती हूँ, और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे इसमें किस कहीं पे भी गवर्नमेंट का ये नहीं है, लेकिन आर्मी मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो भी यहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो पूरे मनी जो है, आई एम स्पेंडिंग माई ओन मनी। तो इसके पीछे भावना एक ही है कि कश्मीरी लोगों को जो डेंटल अवेयरनेस उसके बारे में मोटिवेट करना है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंटीरियर प्लेसेस में डेंटल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो ये एक हेतु से, और कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, दे शुड कम टुगेदर, उनके अंदर एक मैत्री की भावना निर्माण होनी चाहिए, और हम सब एक है, हम एक दूसरे के लिए केयर कर रहे हैं, ये भी भावना उन्हें लगनी चाहिए। और यही भावना से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और इस तरीके से डेंटल कैंप्स कंडक्ट करती हूँ। मेंबर 5 हूँ इधर का, और नायब सरपंच भी हूँ। तो यहाँ जो लोगों को मतलब सख्ती है दवाई की या किसी की, इस वक्त यहाँ मेडिकल कैंप 64RR की तरफ से इनाग्रेट हो रहा है, जिसको कि हमें बहुत सी फैसिलिटी मिल रही है, चाहे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हमें राहत के इस वक्त सबको मिल रही है। इधर मतलब दांतों का ये मेडिकल कैंप चल रहा था, मतलब डेंटल कैंप चल रहा था, जिसको कि फीलिंग कर रहे थे दांतों को, किसी को प्रॉब्लम थी उसको निकाल रहे थे, किसी को कुछ था, जबकि अगर हम प्राइवेट में जाएंगे या बाज़ार में जाएंगे उधर 20,000, 10,000, 5,000, यहाँ फौज की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही आराम मिल रहा है लोगों को। तो बाकी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं फौज की और यहाँ की बटालियन का, जिन्होंने एक कैंप यहाँ ब्रारीपोरा में इनाग्रेशन किया है, और कमांडर साहब का भी शुक्रिया कर रहे हैं, और सीओ साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और सब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ हमें राहत की सांस ली, और लोगों को जो भी प्रॉब्लम थी वो इंशाल हो गई, और डॉक्टर साहिबान और जो इधर मैम थी उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब थे इनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो अच्छी तरह से लोगों को मतलब देख रहे थे, अच्छी तरह से लोगों को पेश आ रहे थे, चाहे औरतें थी, चाहे मर्द थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सब आ गए। लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया है, और आगे भी ऐसा होना चाहिए।